हेलो एवरीवन, आइए अब हम जो इसमें सीखेंगे डायमेंशन में, मेन इसके जो कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट के ऊपर और इसका जो यूजेस है वो भी अभी सीखेंगे। पहले इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, आइए उनको हम सीखते हैं। क्या है कंसेप्ट में? सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, मान लीजिए कंसेप्ट नंबर वन लिखा है। इस कंसेप्ट का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किसको बोलते हैं, पहले लिख देते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि पूरी की पूरी फिजिक्स में हम जिन फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम उन्हीं का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है। अगर जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर है उन्हीं को प्लस माइनस किया है तो वही फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं कि वो मैथमेटिकली तो करेक्ट होते हैं लेकिन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होते, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि फिजिक्स में मोस्टली हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या माइनस कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। एग्जांपल के लिए अगर आप समझे, मान लीजिए लेंथ आपके पास में है, आप लेंथ के साथ में आप लेंथ को ही ऐड करेंगे, आप मास के साथ में मास को ही प्लस माइनस करेंगे, टाइम के साथ में टाइम को ही प्लस माइनस करेंगे। तो जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में आपने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आप पढ़ते हैं वी बराबर यू प्लस एटी, इसका मतलब क्या है कि जो v की डायमेंशन है वो इक्वल किसके, u के, और फिर प्लस at, u के साथ में आपने at को अगर ऐड किया है, इसका मतलब जो डायमेंशन u की होगी वही at की होगी। आइए समझिए इसको। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता है, जो कंसेप्ट है कि जो दोज क्वांटिटी आर एडेड या सब्ट्रैक्टेड दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हमें कुछ दूसरी क्वांटिटी के हम डायमेंशन फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल के रूप में समझें, अगर मान लीजिए यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में लिख दिया मैंने बी एक्स, इसमें ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा बी टी माइनस डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन मैंने आपके पास में लिखी है। इस इक्वेशन में b और d के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कह दिया गया ये कांस्टेंट कोई है और बता दिया गया है कि इसमें x का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट है और t का मतलब टाइम है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में आपसे पूछा जाएगा, बताइए अगर आपको b को d से डिवाइड कर दे, हम b को d से डिवाइड करें तो बताओ b अपॉन डी जो होगा उसकी डायमेंशन किसके बराबर आएगी। b अपॉन डी की डायमेंशन किसके बराबर होती है ये आपसे पूछा जाएगा। कैसे इसको बता सकते हैं बच्चों आप? तो bt में से आपने क्या माइनस किया है, आपने bt में से माइनस किया बच्चों dx को। इसका मतलब ये हो गया कि जो डायमेंशन bt की होगी वही डायमेंशन dx की होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ही यही है कि जहां भी माइनस का साइन हो या जहां भी प्लस का साइन हो उनको आपस में बराबर करना है, क्योंकि प्लस माइनस उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी का किया जाएगा जिनकी डायमेंशन आपस में बराबर होगी। तो यहां पर bt में से dx को माइनस किया है, इसका मतलब bt बराबर dx। तो यहां से हम b अपॉन d को अगर निकालना चाहें, b अपॉन d अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? तो ये d को b के नीचे लिख दिया, तो t को किसके नीचे लिखेंगे आप? x के नीचे लिखेंगे। तो ये आपके पास में x की डायमेंशन l होती है, टाइम की t होती है, तो ये आपके पास जो बनेगी डायमेंशन ये आपके पास में आएगी lt माइनस वन। किसका डायमेंशन आएगी? ये आपके पास में b अपॉन d की आएगी। ऐसे ही बच्चों दूसरा सवाल देखिए इसके ऊपर क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में है इसी कंसेप्ट के ऊपर। सपोज कीजिए आपको लिखा है f इक्वल टू at माइनस
बी एक्स स्क्वायर, ऐसे एक आपके पास में इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन में बता दिया गया है आपको कौन क्या है। इस फॉर्मूले में जो ए है आपके पास में और जो बी है ये कांस्टेंट है। ए और बी के बारे में हमें इनका पता ही नहीं है क्या चीज है, लेकिन इतना बताया है कि जो एफ है वो फोर्स है, टी का मतलब टाइम है और एक्स का मतलब जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो बताओ इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में जो है ए और बी का अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए जहां पर भी माइनस का साइन होगा उसका मतलब क्या है कि उन क्वांटिटी की डायमेंशन आपस में, at की जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, वो bx के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि दोनों को आपस में माइनस किया है और यहां तो ऑलरेडी इक्वल है ही, यानी कि f तो बराबर होगा ही। तो आप जब इसको सोल्व करने बैठेंगे आप लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ f इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bx स्क्वायर, इन तीनों की डायमेंशन आपस में क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से आपको a और b निकालना हो, अब a अपॉन b नहीं, पहले a और b निकालेंगे। तो पहले जो इक्वेशन है ये f इक्वल टू at में हमें f पता है t पता है, तो यहां से आप यूज करें क्योंकि f at के बराबर है, तो यहां से a आपके पास किसके बराबर होगा, f अपॉन t के बराबर होगा। और f कितना है आपको पता ही है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन आपको मालूम है कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन आपने लिखी है एम एल टी माइनस टू, टाइम की टी लिखी है। तो सोल्व कर लिया आपने, कितना आंसर हो गया बोलो, एम एल टी माइनस वन। इसका मतलब जो ए होगा, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस वन होगा, सॉरी ये टी ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस थ्री, ए का फॉर्मूला जो बनेगा एम एल टी माइनस थ्री बनेगा। ऐसे ही आपके पास में अब आप इस एफ को और बी एक्स स्क्वायर का यूज कीजिए, तो एफ को लिख सकते हैं किसके बराबर, बी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां से बी किसके बराबर बनेगा, एफ अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ आपके पास कितना है एम एल टी माइनस टू, ये आपके पास एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो दो माइनस का हो जाएगा, एक एल ऊपर प्लस का है ही ऑलरेडी, तो ये आपके पास कितना होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का आप यूज करके आप डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं किसके, ए के और बी के। अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ अगर हम ए को बी से डिवाइड कर दें, अगर हम ए को बी से डिवाइड कर दें तो बताओ ए अपॉन बी किसके होगा। तो यहां ए का फॉर्मूला तो कितना है एम एल टी माइनस थ्री, बी का फॉर्मूला कितना है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम से एम कट जाएगा, एल ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा एल का स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा टी माइनस वन। तो इस तरीके से बच्चों ये a अपॉन बी जो होता है इसका आप निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके पूछा जाए बताओ a को अगर b से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो a और b आपने अलग अलग निकाल रखा है तो मल्टीप्लाई तो आसानी से हो ही जाएगी। कितना बनेगा ये एम स्क्वायर, एल से एल कट जाएगा, तो t का कितना बनेगा t की पावर माइनस थ्री, टी की पावर माइनस टू, टी की पावर हो जाएगी माइनस फाइव। ये a और b की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से इसके ऊपर सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसके ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन थर्ड समझिए आप, इनके ऊपर फिर जो भी पीवाई के क्वेश्चंस आए हैं उनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे, किस तरह से एग्जाम में जो पूछे गए हैं कैसे फटाफट उनको चुटकियों में सोल्व करें, जल्दी से जल्दी कैसे इनको बताएं, क्योंकि एग्जाम में बच्चों टाइम का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो यहां पर क्या है, इस बार आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, पी मींस प्रेशर है, स्मॉल ए कांस्टेंट है अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर, वी माइनस बी इक्वल टू आर टी।
बच्चों एक ये इक्वेशन यहां पर मैंने लिखी है, ये एक इक्वेशन है जो कि वन मोल के लिए वंडरवॉल्स इक्वेशन बोलते हैं इसको आप। इस इक्वेशन में आपके पास में जो पी है यहां पर बोला गया है, पी का मतलब प्रेशर है, और जो ए और बी है ये कांस्टेंट होते हैं जिनको वंडरवॉल्स कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन आपके पास में क्या है, वंडरवॉल्स इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वी का मतलब वॉल्यूम है। अब बहुत से बच्चे वी मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा, कई बार पोटेंशियल की लिख देंगे। क्लियरली मेंशन होता है कि इस इक्वेशन में वी का मतलब वॉल्यूम है, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की डायमेंशन लिखनी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो भाई वॉल्यूम को भी वी से कर सकते हैं, वेलोसिटी को भी वी से कर सकते हैं, पोटेंशियल को भी वी से करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, या अक्सर ये इक्वेशन में गिवन होता है, इसमें कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कहीं वी को हमें क्या लिखना है। भाई जब इक्वेशन दी गई होगी तो इसके जो सिंबल्स होते हैं उनका मीनिंग भी दिया गया होता है, ऐसे तो वरना क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इस सवाल में आप क्या करें, आपसे पूछा जाएगा बताओ ए की और स्मॉल ए और स्मॉल बी जिनको आप वंडरवॉल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो आप दिमाग लगाओ, सोचो, बताओ कि आखिर इसको कैसे किया जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट क्या इसमें हम लगा सकते हैं, लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। जब कंसेप्ट लगाते हैं तो सबसे पहले यही देखना है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में ऐड किया गया है, किस किस को आपस में माइनस किया गया है। आइए इसको पहले हम इस इक्वेशन में आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर आप देखें तो प्रेशर के साथ में आपने ए अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किया है, और इस वॉल्यूम के साथ में आपने बी को माइनस किया है। तो जब सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि आपने बी वी में से बी को माइनस किया है, इसका मतलब जो डायमेंशन वी की होगी वही डायमेंशन बी की होगी, क्योंकि जिनको माइनस हम उन्हीं को करते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो हमें वी का नाम तो पता है वॉल्यूम है, लेकिन बी का नाम नहीं पता था, तो बी का नाम इस कंसेप्ट से हमने निकाल लिया, क्योंकि बी में से वी को माइनस किया है तो इसका मतलब बी की डायमेंशन वी की डायमेंशन के बराबर, और वी का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन एल की पावर 3 होती है। ये आपके पास हो गया। ऐसे ही आपके पास में आपने पी के साथ किसको ऐड किया है, पी के साथ आपने ए अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किया है। तो पी के साथ अगर आपने ए अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किया है, इसका मतलब ए अपॉन वी स्क्वायर जो होगा ये बराबर किसके होगा, ये पी के बराबर होगा। तो यहां से अगर आपको ए को निकालने को बोला जाए तो ए आपके पास किसके बराबर बन जाएगा, पी इंटू वी स्क्वायर के बराबर बनेगा। इस इक्वेशन में पी का मतलब प्रेशर है, वी का मतलब वॉल्यूम है, तो पी जो प्रेशर है, प्रेशर के प्लेस पे प्रेशर की डायमेंशन लिखेंगे, वॉल्यूम के प्लेस पे वॉल्यूम की डायमेंशन लिखेंगे। प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया से आप निकालते हैं कितनी होती है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम एल क्यूब होता है, एल क्यूब का यहां पर स्क्वायर करना पड़ेगा, वी की डायमेंशन एल की पावर 3, तो यहां v का स्क्वायर है तो l की पावर 3 का स्क्वायर l की पावर 6 होता है। जो पावर होती है वो बच्चों मल्टीप्लाई में आ जाएगी दूसरी पावर के, तो आप इसमें लिख सकते हैं यहां पर l की पावर 6। तो कितना बन गया फाइनली, इसमें m तो है ही, l की पावर माइनस वन, l की पावर प्लस 6, तो l की पावर कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, और t की पावर कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 2 बचेगा। तो यहां पर आपके पास जो है, आपने b और a का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है जिसको आप a और b को वंडरवॉल्स कांस्टेंट बोलते हैं, इनकी डायमेंशन आपने जो निकाली है ये आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से फाइंड की है। तो इसमें कंसेप्ट आपने पता ही है कौन सा लगाया। अब इसमें पूछ सकता है कि बताओ a अपॉन b किसके बराबर होगा, या अगर a की डायमेंशन को b की डायमेंशन से डिवाइड कर दे तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होता है। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मालूम है कितना, एम एल फाइव टी माइनस टू अपॉन एल की पावर 3, कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसका मतलब
अगर ए और बी को डिवाइड करें तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, जो कि वर्क या एनर्जी के बराबर होता है। इसका मतलब ए अपॉन बी किस क्वांटिटी का नाम है, कई बार ये पूछ सकता है। तो ए अपॉन बी जो है वर्क होता है या एनर्जी होता है। बच्चों ये जो कंसेप्ट आपने सीखा है कंसेप्ट वन, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस कंसेप्ट के ऊपर अक्सर इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको जो है इस चैप्टर में एक दूसरा कंसेप्ट और सीखते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट नंबर टू, इस कंसेप्ट में बताया जाता है, इसके ऊपर अक्सर जेई मेंस में एडवांस में सवाल पूछ लेता है, नीट वगैरह में भी कई बार आ सकता है क्योंकि क्वालिटी अच्छी है क्वेश्चंस की। इस कंसेप्ट का मतलब होता है जब भी किसी इक्वेशन में कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म गिवन हो, पावर गिवन हो, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए एक्सपोनेंशियल जो टर्म होती है ऑलवेज डायमेंशनलेस होती है। जो पावर होती है वो हमेशा क्या होगी बच्चों, पावर हमेशा डायमेंशन लेस होती है। इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि पावर की आप कोई भी डायमेंशन नहीं लिखते। एग्जांपल के लिए समझिए, आप सपोज कीजिए यहां पर एक इक्वेशन मैंने लिखी है, सपोज कीजिए x इक्वल टू लिखा है x नॉट एक्सपोनेंशियल e की पावर a अपॉन टी स्क्वायर। ये यहां पर एक फॉर्मूला आपके पास गिवन है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, इस फॉर्मूले में सपोज कीजिए इसमें जो a है आपके पास में, a के बारे में आपको नहीं पता है, a क्या क्वांटिटी है, a क्वांटिटी का क्या नाम है ये आपको जानकारी नहीं है, और आपसे यही पूछा जा रहा है बताइए जो इसमें a लिखा है आखिर a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इसमें बताया गया है कि x का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट है t टाइम पे, x नोट का मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है t बराबर जीरो पे, t मतलब टाइम है, a मतलब कॉन्स्टेंट है, और स्मॉल e क्या होती है, स्मॉल e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर। ये पावर कितनी है, a अपॉन टी स्क्वायर। तो जो पावर होती है इस कंसेप्ट में यही लिखा है कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म कौन सी है इसमें, इसमें इसका जो मैग्नीट्यूड है एक्सपोनेंशियल टर्म का वो a अपॉन टी स्क्वायर है। माइनस वाले साइन को लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें MLT की फॉर्म में केवल डायमेंशन ही निकालनी है। तो जो मेन क्वांटिटी है एक a है एक t स्क्वायर है e के ऊपर जो पावर में है, और उनका आपस में डिविजन है। तो आपको a आपको निकालना है, तो इस कंसेप्ट का जब यूज करेंगे तो आप बता सकते हैं कि a अपॉन t स्क्वायर ये डायमेंशन लेस होता है यानी कि 1 के बराबर है। तो a की डायमेंशन को आप किसके बराबर लिखेंगे, t स्क्वायर के बराबर यानी कि कैपिटल t का स्क्वायर। इस तरीके से इस कंसेप्ट का बच्चों आपको यूज करना होता है। तो इसके ऊपर आपके एग्जाम में जो सवाल आया है, आइए उस सवाल को भी एक क्वेश्चन को हम सीखते हैं। मान लीजिए यहां पर एक सवाल है, ये इसमें इस बार गिवन है पी का मतलब प्रेशर है इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा है, फिर लिखा है ब्रैकेट है 1 माइनस ई की पावर अल्फा टी स्क्वायर अपॉन के इंटू थीटा। मान लीजिए ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद है। अब इस फॉर्मूले में क्या है बच्चों, इस फॉर्मूले में आपको इस फॉर्मूले में इसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया, इसमें बताया गया है
हर क्वांटिटी के बारे में बताया गया है कि इसमें पी जो है, पी का मतलब प्रेशर है, और अल्फा और जो बीटा है इनके बारे में कह दिया गया है कि ये कांस्टेंट है। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि अल्फा क्या है बीटा क्या है। और साथ ही साथ टी जो लिखा है, टी का मतलब तो टाइम है, थीटा का मतलब टेम्परेचर है, और के आपके पास एक कांस्टेंट है, इसका नाम कांस्टेंट का बोल दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बताओ अल्फा और जो बीटा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले तो बीटा का ही मेनली पूछा जाएगा क्योंकि बीटा निकालने के लिए आपको अल्फा भी चाहिएगा। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। तो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकल सकता है, इसको आप जब सोल्व करेंगे उसको आइए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि यहां पर p इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ब्रैकेट वन माइनस e की पावर माइनस e की पावर कितना अल्फा टी स्क्वायर बाई के थीटा। इसमें वन जो है ये तो नंबर है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, और जो इधर ये e की पावर है पूरी एक्सपोनेंशियल, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो मेनली p का जो फॉर्मूला बनेगा, p बराबर तो बच्चों अल्फा अपॉन बीटा के बराबर आएगा। तो p का जो फॉर्मूला लिखा जाता है, p बराबर आप लिखते हैं किसके, P बराबर यहां पर अल्फा अपॉन बीटा के बराबर आएगा। अगर आपको यहां पर बीटा फाइंड करने को बोला जाए तो बीटा का मतलब होता है बच्चों अल्फा अपॉन P। बीटा अगर फाइंड करने को बोला जाए तो बीटा का मतलब होता है अल्फा अपॉन P। तो पहले आपको अल्फा पता होना चाहिए, और P तो प्रेशर है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया से हमें मोस्टली मालूम होता ज्यादातर बच्चों को कि प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकालना, L माइनस वन टी माइनस टू। लेकिन यहां अल्फा कौन सा कॉन्स्टेंट, इसका तो नाम ही नहीं गिवन है हमें। तो अल्फा को आप इसी कंसेप्ट से निकालते हैं, जिस कंसेप्ट का नाम क्या है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो यहां पर जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो क्या है, वो है अल्फा टी स्क्वायर अपॉन के इंटू थीटा। ये पूरी की पूरी डायमेंशन जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये डायमेंशन लेस है। तो इसको आपने क्या किया, इसको आपने वन के बराबर लिख दिया। तो अब यहां पर आप अल्फा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। यहां से अल्फा किसके बराबर बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा के इंटू थीटा अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं अल्फा के। इसके लिए लेकिन दिक्कत क्या आएगी, आपको के बारे में, के का नाम बोल दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है, कुछ बच्चों को तो पता होता है इसकी डायमेंशन क्या है, कुछ को नहीं पता होता। तो आपने जो नाम सुना है गैस कांस्टेंट, तो गैस कांस्टेंट जो होता है पीवी बराबर आरटी, जो इक्वेशन होती है वन मोल के लिए पीवी इक्वल टू आरटी, उस इक्वेशन में पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो वहां से जब आर निकालते हैं आप, तो जो डायमेंशन आर की होती है वही के की होती है, क्योंकि के जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो आपके पास में एक तरह से किसके बराबर होता है, आर अपॉन अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो आर कैसे निकलता है, पीवी अपॉन टेम्परेचर से। तो पी और वी प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी के बराबर होता है। तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर जब करेंगे तो यानी कि एनर्जी की डायमेंशन तो वर्क के बराबर, यानी कि एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टेम्परेचर की थीटा। तो यहां से आप k की जो डायमेंशन लिख सकते हैं, k बराबर होता है एम एल टू टी माइनस टू अपॉन थीटा, तो थीटा ऊपर आएगा थीटा माइनस वन। ये केवल इतनी डायमेंशन किसकी है बच्चों, ये इतना है केवल k का। अब यहां पर थीटा के प्लेस पे थीटा के डायमेंशन तो थीटा ही लिख दीजिए, और t यहां पर टाइम, ये क्या है टाइम है, तो इसका t का स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, यहां थीटा से थीटा तो कैंसिल हो गया क्योंकि एक थीटा माइनस वन है दूसरा थीटा है, तो ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का फोर। ये आपके पास में डायमेंशन बनी किसकी, अल्फा की। और यदि अल्फा आपको मालूम है तो बीटा को भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बीटा को, तो यहां पर आप
अल्फा के प्लेस पे अल्फा की डायमेंशन जब आप पुट करेंगे एम एल स्क्वायर पी माइनस फोर और प्रेशर की जो होती है एम एल माइनस वन पी माइनस टू, तो यहां पर आप देखेंगे एम सी एम तो कट जाएगा, एल माइनस वन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एल की पावर थ्री, टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो टी की पावर कितना ये प्लस का हो जाएगा, तो एल की पावर तो थ्री और टी की पावर कितना बचेगा माइनस का टू। ये बच्चों इसका आंसर था। एग्जाम में इस तरह के सवाल आपके पास पूछे जाते हैं कि बताइए इस इक्वेशन में बीटा क्या होगा, बीटा आपने अल्फा अपॉन पी से निकाला, अल्फा आपने एक्सपोनेंशियल वाले कंसेप्ट से फाइंड किया। तो ये तो आपने डायमेंशन में अब तक जो आप सीख चुके हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना वो आप सीख चुके हैं। आप इसमें जो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, दो कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और एक कंसेप्ट ये है जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म ऑलवेज डायमेंशनलेस, इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें डायमेंशन को की पहली एप्लीकेशन होती है वो क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, क्या इसके ड्रॉबैक्स है, और इसके बाद फिर हम इसमें इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस तरह के लेटेस्ट एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उनको सीखेंगे। तो इस सबसे पहले आप इन फॉर्मूलों को याद करें, इनको तैयार करें, कैसे कैसे इनको किया जाता है डायमेंशन, ये रटना नहीं है आपको, केवल बेसिक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद होगा तो वो और भी आगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।